देश को, इस संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश को ये सरकार पुलिस राज बनाने पर तुली हुई है, और पुलिस राज केवल और केवल किसी तानाशाह की ही ख्वाहिश हो सकती है। तो मोदी जी ये सिद्ध कर चुके हैं कि वो पूरी तरह से निरंकुश तानाशाह बन चुके हैं और देश की जनता की गर्दन पर पैर रखकर हुकूमत करना चाहते हैं। और इसके बावजूद भी देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उनकी जो असली समस्या है उसकी जड़ क्या है। वो जड़ है मोदी सरकार, और जब तक ये सरकार रहेगी इसको उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा, तुम्हारी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि मोदी जी इस देश में संविधान को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। किसी के भी भलाई का काम ये सरकार नहीं कर रही, क्योंकि इसका काम मोदी जी जो चाह रहे हैं हुकूमत करना, वो इस देश की जनता की गर्दन पर पैर रखकर हुकूमत करना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे जनित हवा। जिस तरीके से सरकार ने जो हिट एंड रन कानून लाया है उसको लेके यहाँ पे ड्राइवरों का आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ। इसी को लेके हमारे साथ भानु प्रताप जी मौजूद हैं। ये सिर्फ यही बात सिद्ध करता है कि इस देश को, इस संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश को ये सरकार पुलिस राज बनाने पर तुली हुई है, और पुलिस राज केवल और केवल किसी तानाशाह की ही ख्वाहिश हो सकती है। तो मोदी जी ये सिद्ध कर चुके हैं कि वो पूरी तरह से निरंकुश तानाशाह बन चुके हैं और देश की जनता की गर्दन पर पैर रखकर हुकूमत करना चाहते हैं, इसलिए कानून बनाए गए हैं। सरकार ने कहा कि इस कानून के तहत ड्राइवर जो है वो जिम्मेदार होंगे, साथ ही हिट एंड रन केस जो, ये जिम्मेदारी क्या पहले नहीं थी क्या? जो पहले भी होता था, क्या पहले उसमें जिम्मेदारी नहीं थी? हिट एंड रन का कानून तो पहले भी था, और अगर कोई जानबूझकर किसी पे गाड़ी चढ़ाता है, किसी को मारता है, किसी को चोट पहुंचाता है, तो उसकी नियत देखी जा रही है। उसके लिए आईपीसी में सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी कुछ है। एक साल की सजा से लेकर आगे तक फांसी की सजा तक है, अगर कोई जानबूझ के किसी को मारता है, जैसे कई बार मरवाया जाता है, मारा जाता है एक्सीडेंट करा के किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए 302 है ना। ये 324, ये 326, ये 307, ये 308 काहे के लिए हैं? ये इसी के लिए तो हैं। स्पेसिफिक इसके लिए करने की क्या जरूरत है? और इससे केवल और केवल मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ड्राइवरों का ही नहीं, ये जो गाड़ियों के मालिक हैं उनका भी शोषण होगा। ड्राइवर तो बेचारा दे ही नहीं पाएगा 7 लाख रुपए, दावे से कह रहा हूं कोई मालिक भी नहीं दे पाएगा 7 लाख रुपए, अगर जुर्माना हो गया तो। ये सर 10 लाख रुपए जो भी आप कह रहे हो, पर 7 लाख की बात है, 10 साल की सजा, ये कौन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और होगा क्या, ये जो सड़क पर पुलिस वाले हैं कहीं भी रोक लेते हैं, ये जो आरटीओ हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग, इन लोगों के हाथों में ये मजबूर ड्राइवर लोग और इन गाड़ियों के मालिक केवल और केवल एक बहुत ही निरीह प्राणी बन के रह जाएंगे, एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति बन के रह जाएंगे। इनके माध्यम से इनका शोषण ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो कानून बनाते समय सरकार को सोचने की जरूरत है। सरकार जो है, अगर ड्राइवर के वेलफेयर की बात करें या ड्राइवर आयोग की बात करें, तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन कानून जल्दीबाजी में लाया गया। ड्राइवर के वेलफेयर की, मुझे आप बताओ किसके वेलफेयर की बात सरकार ने करी है? किसानों के वेलफेयर की बात करी सरकार ने? मजदूरों के वेलफेयर की बात करी सरकार ने? बेरोजगार युवाओं के वेलफेयर की बात करी सरकार ने? महिलाओं की सुरक्षा की, उनके वेलफेयर की बात करी सरकार ने? जो वन रैंक वन पेंशन के लिए यहीं पे पिछले 3000 दिन से ज्यादा हो गए लड़ रहे हैं, फौजी हमारे रिटायर्ड, उनके भलाई की बात करी क्या सरकार ने? किसके भलाई की बात करी है सरकार ने? एक व्यक्ति बताओ, एक समाज बताओ, एक संगठन बताओ, जिसके चंद पूंजीपतियों के अलावा किसके भलाई की बात करी है? किसी की नहीं। और इसके बावजूद भी देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उनकी जो असली समस्या है उसकी जड़ क्या है। और उसकी जड़ अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं बोल देता हूं, वो जड़ है मोदी सरकार। और जब तक ये सरकार रहेगी इसको उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा, तुम्हारी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। किसान आंदोलन में पहले दिन मैंने ये बात कही थी कि किसान आंदोलन में ईवीएम को आप साथ में जोड़िए, आप ईवीएम को जोड़ेंगे, ईवीएम हटेगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, साफ सुथरी सरकार आएगी, चाहे जो भी हो। अगर मोदी जी को इतनी पसंद करती है देश की जनता तो वही चुनकर आ जाए, क्या फर्क है? लेकिन लोगों के दिमाग में जो शक है वो तो साफ हो जाए। किसानों ने मेरी बात नहीं मानी, ईवीएम को उसमें शामिल नहीं किया, और आप नतीजा ये है
कि जो समझौता किया था किसान ने कि हम मुकदमे सारे वापस लेंगे, एमएसपी पर कमेटी बनाएंगे, एमएसपी लागू करेंगे, कुछ नहीं किया। और 13 फरवरी को किसान देश भर के यहाँ आ रहे हैं, कल ऐलान हो गया अमृतसर में। सो किसी के भी भलाई का काम ये सरकार नहीं कर रही, क्योंकि इसका काम मोदी जी जो चाह रहे हैं हुकूमत करना, वो इस देश की जनता की गर्दन पर पैर रखकर हुकूमत करना चाह रहे हैं। सर, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा मीटिंग करके कहा गया कि अभी ये कानून लागू नहीं है, सरकार की तरफ से कहा गया। नहीं, वो है तो होते कौन है बताने वाले, ये तो हर किसी को मालूम है। कानून लागू होता है नोटिफिकेशन से, लेकिन नोटिफिकेशन तो जरा सी देर का काम है, तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा वो समय लगेगा। सरकार ने कहा ये रहा कानून, अपने डिपार्टमेंट को देगी, छप के आ जाएगा सुबह ही और कहते उस दिन से लागू हो गया। इसमें लागू करने में कितनी देर लगती है? कोई देर नहीं है, इतनी देर में काम होते हैं, ये एक दिन में लागू हो जाएगा। बात यह है कि आप लाए क्यों, आपने कानून लाने से पहले लोगों से बात क्यों नहीं की, जो आपके एक्सपर्ट हैं कानून के उनसे बात क्यों नहीं की, आपने सारी चीजों को देखा क्यों नहीं, इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे उनके विषय में आकलन क्यों नहीं किया। क्या आप 13 करोड़ ड्राइवरों के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाए, मैं ये सलाह दे रहा हूँ आपके माध्यम से, ड्राइवर एसोसिएशन को या ड्राइवरों को सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर चले गए वही मामला फंस जाएगा और फिर सरकार साफ बच जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। उपाय क्या है? उपाय सिंपल ये है कि सड़क पर लड़ाई करें जैसे लड़ रहे हैं, जाम कर दें पूरे देश को, केवल जो बीमार लोग हैं, एम्बुलेंस वगैरह हैं, उनको किसी हालत में ना रोकें, उनके लिए रास्ता दें, उन्हें जाने दें, बाकी पूरे देश को जाम कर दें, तभी ये सरकार घुटने टेकेगी, अन्यथा नहीं टेकेगी। आपका जो कानून है वो लागू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है ड्राइवरों के साथ, जिनकी तनख्वाह भी मात्र 15,000 उनके ऊपर 7 लाख 10 साल का कानून में बदलाव? मैंने बताया ना आपको, ये इसलिए किया जा रहा है कि मोदी जी इस देश में संविधान को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और राजा बनना चाहते हैं। और राजतंत्र जो चलता है, राजा का जो हुक्म चलता है, वो चलता है थानों से, इसीलिए कानूनों में बदलाव करके पुलिस राज बनाया जा रहा है, ताकि वो जो भी है डंडे के जोर पर करवा सके। इन कानूनों को बनाने की क्या जरूरत है? आपको समझ में नहीं आता कि देश की जो क्रिमिनल लॉ के जो मेन जो कानून है, जो IPC है, जो CRPC है, जो एविडेंस एक्ट है, उसमें सरकार ने तब संशोधन किया, बिल वो तब लेके आई है सरकार, जिस समय विपक्ष के 140 सांसदों को बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या है? उसी के बाद लेके आई ना। इसका मतलब यह है कि कानूनों पर किसी तरह की चर्चा ना हो, अगर चर्चा होगी तो उसमें जितनी कमियां हैं, जो जिस तरह से पुलिस राज बनाने की तैयारी कर चुकी सरकार बना रही है, वो सारी की सारी जनता के सामने आ जाएंगी और सरकार का भांडा फूट जाएगा, सरकार नंगी हो जाएगी। इसलिए विपक्ष को बाहर निकाल के कानून लाएंगे, बनाएंगे पास, ये है असली चीज। देखा आप लोगों ने किस तरीके से इन्होंने सभी मुद्दों को बताया है कि सरकार बिना सोचे समझे ऐसे कानून ले आती है और सीधा उन पे थोप देती है, सोच के समझ के कुछ नहीं करती है। 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना, ये लोग कहाँ से भरेंगे जिनकी इनकम ही 10 से 15 हजार है? तो इसको लेके जो कानून लाया गया है, इसको लेके जो ड्राइवर है वो धरने पर बैठे हुए हैं, आपकी क्या राय है इसमें? सहमत है कि नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।